नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुषमा यादव है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक का पाठ चार, चांद से थोड़ी सी गप्पे, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। बच्चों, इस कविता में कवि ने एक छोटी सी लड़की की कल्पनाओं का वर्णन किया है। बच्चों, कवि बताते हैं कि एक छोटी सी लड़की, 10-11 साल की लड़की है, जो आकाश में चांद को देखकर उससे बातें करती है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि छोटी सी लड़की चांद से क्या क्या बातें करती है। तो इसे हम पढ़ेंगे पाठ के सार में। कवि कहते हैं कि एक छोटी सी लड़की चांद को आकाश में देखकर उससे बातें करती हुई कहती है कि आप खूब गोल हैं, परंतु थोड़े थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं। आपने आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है और वह पूरा तारों से जड़ा हुआ है। फिर लड़की कहती है कि आप गोल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी तिरछे दिखाई देते हैं। मुझे पता है आपको कोई ना कोई बीमारी है और वह आपकी बीमारी कभी ठीक ही नहीं होती है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि चांद को क्या बीमारी है अपनी कविता की पंक्तियों से। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। बच्चों, पहले हम इन पंक्तियों में आए हुए शब्दों के अर्थ जानेंगे। पोशाक वस्त्र कुल सारा सिमत दिशाएं खूब बहुत अधिक। अर्थ, बच्चों कवि कहते हैं कि चांद पूरी तरह से गोल है। लड़की जब चांद से बातें करती है तो वे कहती है कि आप पूरी तरह से गोल है, लेकिन पता नहीं क्यों आप कभी कभी मुझे तिरछे दिखाई देते हैं। आपने आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है और उस वस्त्र पर टिमटिमाते हुए तारे जड़े हुए हैं। आपने अपने पूरे शरीर को आकाश रूपी वस्त्र से ढक रखा है, केवल आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। कहने का भाव यह है कि लड़की चांद से बातें करती हुई अनेक तरह की कल्पनाएं करती है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि लड़की चांद से आगे क्या बातें करती है अपनी कविता की अगली पंक्तियों में। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्चों, लड़की चांद से बातें करती हुई कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी आप कुछ तिरछे दिखाई देते हैं। फिर लड़की कहती है चांद से कि हमें क्या पता नहीं है, आप हमें मूर्ख मत समझो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, कि आप जब घटने लगते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। तो लड़की चांद से कहती है कि हमें सब पता है कि है आपको कोई बीमारी है। तो बच्चों, आइए इन पंक्तियों में पहले हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं। गोकी यद्यपि, बुद्धू मूर्ख, निरा बिल्कुल, बीमारी रोग, और विलोम शब्द हैं आकाश का पाताल, तिरछे का सीधे। बच्चों, लड़की चांद से बार बार कहती है कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी हमें तिरछे दिखाई देते हैं और आपको जरूर कोई ना कोई बीमारी है। तो आइए कविता की अगली पंक्तियों में हम जानते हैं कि चांद को क्या बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है।
लड़की बताती है कि वह जब चांद से बातें करती है और उसकी बीमारी में बताते हुए कहती है कि जब आप घटने लगते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, आप घटते ही जाते हैं और घटते घटते इतने छोटे हो जाते हैं कि आकाश से गायब ही हो जाते हैं, और जब आप बढ़ने लगते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते बढ़ते पूरे गोल हो जाते हैं, और जब तक आप दम नहीं लेते, जब तक बढ़ने से नहीं रुकते, जब तक कि पूरे गोल नहीं हो जाते बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। फिर लड़की चांद से कहती है कि जाने आपको यह कैसी बीमारी है कि आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होने में आती है, आपका यह रोग ठीक ही नहीं होता है। बच्चों, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन चांद को पता नहीं है क्या रोग लगा है कि वह ठीक ही नहीं होता है। तो बच्चों, आज की कविता में हमने पढ़ा चांद के बारे में और उस लड़की की कल्पनाओं के बारे में। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ आ गई होगी। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इस कविता को दोहराते हैं। तो बच्चों बताइए, चांद कैसा नजर आता है? तिरछा। चांद को क्या बीमारी है? घटने बढ़ने की। चांद ने कैसे वस्त्र पहने हैं? आकाश रूपी वस्त्र। चांद के वस्त्रों पर क्या लगा हुआ है? टिमटिमाते हुए तारे। बच्चों, इस कविता में आए हुए सर्वनाम शब्द कौन से हैं? आप और हम। बच्चों, आकाश के पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, अंबर। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आ गई होगी। आपको इस कविता का अभ्यास करना है और इसके शब्दार्थ याद करने हैं। बच्चों, जल्द ही आपको इससे संबंधित असाइनमेंट और कार्य पत्रिका मिल जाएगी। तो बच्चों, फिर मिलेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।